हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कम तेल में बनने वाला एक हेल्दी नाश्ता। आइए स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लेंगे, उसमें 2 कप सूजी डालेंगे, 3/4 कप दही ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक स्मूथ बैटर बनाएंगे। बैटर बन गया है, इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं और देखिए मेरी सूजी भी फूल गई है। अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। दोबारा से इसका एक स्मूथ बैटर बनाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 मीडियम प्याज मैंने बारीक काट कर ऐड कर दिया है। एक शिमला मिर्च ली है, उसको भी मैंने बारीक काट कर इसमें ऐड किया है। दो छोटी गाजर ली हैं और उसको मैंने ग्रेट करके इसमें ऐड किया है। तीन से चार हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा धनिया मैंने बारीक काट लिया है, उसको भी इसमें हम ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको थोड़ा सा पतला और कर लेंगे। आप अपने हिसाब से पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, झटपट से रेडी हो जाती है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। एक छोटा चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे। एक छोटा चम्मच चंकी चाट मसाला इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर हमारा तैयार हो गया है, कम तेल में बनने वाला नाश्ता इससे अब हम तैयार करेंगे। एक तवा लेंगे, उसको गरम करेंगे, हल्का सा ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा बैटर डालेंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। पाँच से सात मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर हम कुक करेंगे। हल्का सा ऑयल ऊपर ड्रिजल करेंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम टर्न कर देंगे। दोनों तरफ से अच्छे से इसको हम पलट कर कुक कर लेंगे। इसको बार बार पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए, इसमें बहुत सुंदर कलर आ गया है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बहुत अच्छा नाश्ता बनता है ये। इसको मैंने शेजवान चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो पुदीने की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ भी इसको ले सकते हैं।
मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।